सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ओप्पो की अपकमिंग यूआई के बारे में, यानी कि ओप्पो कलर ओएस 12 के बारे में। कब तक आपको ओप्पो के स्मार्टफोन के अंदर ओप्पो की कलर ओएस 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, और दोस्तों कौन से ओप्पो के स्मार्टफोन के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो की कलर ओएस 12 के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं ओप्पो की कलर ओएस 12 के बारे में। दोस्तों ओप्पो की कलर ओएस 12 से रिलेटेड काफ़ी सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं, और दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट्स निकल के आए हैं जिसमें दोस्तों पता लगता है कि इंडिया के अंदर और ओप्पो के स्मार्टफोन के अंदर कलर ओएस 12 का जो अपडेट है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। उसके साथ दोस्तों एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लीक्स निकल के आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओप्पो की कलर ओएस 12 है वो होगा एंड्रॉइड 12 बेस्ड, यानी कि दोस्तों एंड्रॉइड 12 पर रन करेगी ये ओप्पो की कलर ओएस 12। यहां पर आप देख सकते हैं कलर ओएस 12 और बेस ऑन एंड्रॉइड 12, और दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर कब तक आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, तो दोस्तों चाइना के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंदर, यहाँ पर जो फ्यू वीक्स लिखा हुआ है वो चाइना के लिए लिखा हुआ है, चाइना के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको ओप्पो की कलर ओएस 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, और दोस्तों एंड्रॉइड 12 बेस्ड होगी ये जो यूआई होने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं एंड्रॉइड 12 का, तो अपडेट अभी तक किसी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ये जो अपडेट्स मिलने वाला है ओप्पो की कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का, वो मिलेगा इसी साल के एंड, यानी कि 2021 के दिसंबर एंड वीक तक आपको कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है, सबसे पहले गूगल के पिक्सल्स फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों ओप्पो के स्मार्टफोन और जो वीवो और अदर स्मार्टफोन्स हैं उन स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको ओप्पो की कलर ओएस 12 के अंदर, यहाँ पर इनका एक पर्सनल असिस्टेंट होने वाला है, और दोस्तों उस असिस्टेंट का नाम यहां पर आप देख सकते हैं क्या असिस्टेंट होने वाला है, इसका नाम है ब्रिनो असिस्टेंट ऐप इसमें यहां पर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि गूगल असिस्टेंट वर्क करता है, वैसे ही इनका जो ब्रिनो जो असिस्टेंट होगा वो वर्क करेगा। आप जो कुछ भी उनको कमांड दोगे तो वो आपकी सुनेगा, और आपका जो भी कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप ओपन करना है, कुछ भी आपका काम वो कर लेगा आपके फोन से रिलेटेड। तो यहां पर देख सकते हैं चाइना के अंदर टेस्टिंग चल रही है अभी, यहां पर आप देख सकते हैं कलर ओएस 12 यहां पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यूआई का जो कलर ओएस 12 की यूआई है उसका जो बीटा वर्जन है वो काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका है, और दोस्तों जो एग्जैक्टली ये लॉन्च होगी यानी कि अपडेट मिलेगा वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 13 सितंबर 3 बजे ये यूआई को रोल आउट करेंगे, यानी कि ये काफी सारे चाइनीज स्मार्टफोन्स के अंदर ये अपडेट रोल आउट करेंगे 13 सितंबर 2021 के अंदर। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द ये यूआई देखने को मिलेगी। आपके ओप्पो के कौन से स्मार्टफोन के अंदर ये अपडेट देखने को मिलेगी और कौन से स्मार्टफोन के अंदर अपडेट नहीं देखने को मिलेगी, अभी तक ये लिस्ट तो ओप्पो ने जारी नहीं की है, बट दोस्तों जैसे ही ये लिस्ट मेरे पास आती है तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर से बनाकर दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे अपडेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और बाकी दोस्तों आपके पास ओप्पो का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ओप्पो की कलर ओएस 12 के अपडेट के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, वीडियो बनाया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।